इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर रंजीत सिंह डडरियावाला के खिलाफ हत्या और बलात्कार का मामला दर्ज हुआ है। जानकारी दे दी कि 2012 के एक मामले में सिख प्रचारक रंजीत सिंह डडरियावाला के खिलाफ बलात्कार और हत्या के आरोपों के तहत FIR दर्ज की गई है। जानकारी जो है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब के DGP द्वारा दाखिल हल्फनामे में दी गई, जहां पर रंजीत सिंह डडरियावाला के खिलाफ IPC की धारा 302, 376 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया है। उन पर हत्या और बलात्कार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दरअसल 2012 में डेरे में 28 वर्षीय लड़की की हत्या के बाद उसके भाई ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आरोप थे कि पहले लड़की के साथ बलात्कार किया गया, उसके बाद उसे जहर देकर मार दिया गया। पोस्टमार्टम में मौत का कारण जहर बताया गया था। यह लड़की कैथल से अपने परिवार के साथ वहां आई थी और 22 अप्रैल 2012 को संदिग्ध हालत में उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में मृतका के भाई ने याचिका दाखिल कर मामले की जांच किसी वरिष्ठ IPS अधिकारी के नेतृत्व में CBI और SIT से कराने की मांग की थी। याचिका में रणजीत सिंह डडरियावाले पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। याचिका में कहा गया था कि 22 अप्रैल 2012 को रंजीत सिंह डडरियावाले के परमेश्वर द्वार में उसकी बहन के साथ बलात्कार किया गया, फिर उसे कोई जहरीला पदार्थ देकर मार दिया गया। हालांकि इन आरोपों को रंजीत सिंह डडरियावाले ने पूरी तरह खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि लड़की की मौत के समय वो विदेश में थे, वह लड़की गुरु के घर अंदर नहीं बल्कि बाहर जहरीला पदार्थ निकलने से मरी थी, उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। तो खबर सामने आ रही, रंजीत सिंह डडरियावाला के खिलाफ हत्या और बलात्कार का मामला जो है दर्ज किया गया। इस वक्त की खबर सामने आ रही है।